नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से, जिसको कि पहले जाना जाता था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वॉक इन रिक्रूटमेंट है, यानी कि किसी तरह का एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपको उनके बताए हुए वेन्यू पे जाना है, वहां पे जाकर इंटरव्यू देनी है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कस्टमर एजेंट की पोस्ट के लिए है, इसलिए वो मैंने जो है वो थंबनेल पे भी मेंशन करा है। यहाँ पे दोस्तों जो है आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। अप्लाई भी कैसा करना, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू पे जाना है, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी तरह की ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको नहीं भेजनी है। आपको आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेके और एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के उनके बताए हुए वेन्यू पे जाना है, वहां पे जाके इंटरव्यू जो है वो देनी है। सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारी जॉब अपडेट है जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग वहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऊपर हम लोग वीडियो नहीं बना पाते। तो इस जॉब के बारे में दोस्तों एक एक करके हम लोग बात करते हैं। वेस्टर्न रीजन के लिए दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है, तो मुंबई में ही इसका इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। लोकेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू आपका मुंबई में होगा। जा सकते हैं तो ही वीडियो आपके काम की, नहीं तो ऊपर आई बटन प्योर वीडियो दिए हैं, आप उनमें जो है वो क्लिक करके उनको उनके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन हम लोग उन्हीं जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या जिनमें एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर, सीनियर कस्टमर एजेंट, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10-3 को इंटरव्यू है कुछ पोस्टों के लिए, 10-3 को कुछ पोस्टों के लिए, लेकिन हम लोग जिनके बारे में बात करें ज्यादातर उनका 11 तारीख को है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन रीड करके फिर आप इंटरव्यू पे जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों वेन्यू दे रखा है, इस वेन्यू पे आपको जो है वो पहुंच जाना है इनके बताए हुए जो है वो टाइम पे और डेट पे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए और क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी हुई है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी हुई है, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि 12 मंथ तक जो है वो होना चाहिए पुराना। उसके बाद दोस्तों 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 25,000 के करीब आपको सैलरी मिल जाएगी। इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। कस्टमर एजेंट, जिसके लिए हम लोग मेनली ये वीडियो बना रहे हैं, ग्रेजुएट हैं आप दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 10+2+3 वाले पैटर्न से आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी प्रेफरेंस जो है वो उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा होगा IIT का, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सभी को वो जो है वो डिप्लोमे वाले अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि डिप्लोमा वाले ही नहीं जाएंगे। आप कुछ पोस्टें उन्होंने रखी होंगी जिनके लिए वो को ग्रेजुएट लोगों को भी जो है वो अपॉइंट करेंगे। बाकी दोस्तों इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है, बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। 21,300 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और जैसे जैसे ये प्रोबेशन पीरियड बढ़ता जाएगा सैलरी भी आपको जरूर जो है वो ज़्यादा देंगे। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो है वो स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो कैबिन सर्विस एजेंट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है 10+2+3 वाले पैटर्न से और साथ में डिप्लोमा है नर्सिंग का, तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपने BSc नर्सिंग करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं, जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट, बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसा कि पहले मिलती आई है। और 21,300 पर मंथ आपको सैलरी, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ भी आपकी सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं एक्सपीरियंस वाली जॉब्स के लिए, जिसमें एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो असिस्टेंट अकाउंट के लिए दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है 10+2+3 वाले पैटर्न से और एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, उसके बाद अकाउंट्स का, तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, और सैलरी आपको सेम मिल जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए दोस्तों अगर आपने एमबीए करी हुई है, इससे संबंधित कुछ करा हुआ है एचआर में, पर्सनल मैनेजमेंट कोर्स करा हुआ है 2 साल का, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है एचआर का, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या सिंपल ग्रेजुएशन के साथ 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, सैलरी यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई है, 25,300 के करीब आपको मिल जाएगी। अप्लाई दोस्तों कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मार्च 2020 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू की जो जगह मैंने आपको बताई है वहाँ पे आपको पहुंच जाना उनके बताए हुए टाइम और डेट पे। ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर आप आते हैं SC ST से, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन हैं,
किसी भी तरह का आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नोटिफिकेशन का रीड करके जाइएगा। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, फेवर में रखना है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, और पेबल रखना है मुंबई में, और उसके पीछे अपना मोबाइल नंबर फुल नेम जो है उसकी जो रिवर्स साइड होती है वहाँ पर लिख दीजिएगा। बात करें दोस्तों अनदर कंडीशंस की, तो एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, आने वाले दिनों में इसको जो है वो आगे भी बढ़ा सकते हैं और रास्ते में भी टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि साथ में क्या लेके जाना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला, यहाँ पे पिक्चर लगाइएगा, उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपके जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करिएगा, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। लेकिन किसी को दे के आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो दिखाने के लिए होते हैं, बाकी जो फोटो कॉपीज़ है वो वहाँ पर आप सबमिट भी करवा सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगर आपने जो है अभी फ्रेशर्स हैं, अभी आपने अपने कैरियर की शुरुआत करनी है, तो यहाँ पर एक चांस है आपके पास, आप जाके इंटरव्यू दीजिए, और कुछ नहीं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।